क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहे डायलिसिस सेंटर को एक मरीज की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह मरीज इस सेंटर में 29 जुलाई को डायलिसिस करवा कर गया था। वहीं सोमवार रात ऊना में पॉजिटिव पाए गए 26 लोगों में यह मरीज और इसकी 24 वर्षीय बेटी भी शामिल है। मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने मंगलवार सुबह आनंद फानन में डायलिसिस सेंटर को सैनिटाइज करने के साथ ही आगामी आदेशों तक बंद रखने और डायलिसिस सेंटर के स्टाफ को क्वारंटीन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी, 28 को एक पेशेंट यहाँ से डायलिसिस करवा के गया है, उसके बाद वो सिक हो गया, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बाहर हुआ है और वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके तहत हमने डायलिसिस सेंटर को बंद करने का निर्देश दिया है कि कम से कम 48 आवर्स तक डायलिसिस सेंटर बंद रहेगा और उसके बाद जितने भी वो लोग हैं होम आइसोलेट होंगे और उनके टेस्ट किए जाएंगे जो एम्प्लॉइज हैं उनके। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन के साथ राजीव भनोट।